फॉर्मूला एंड डायग्राम होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आउटर सैपल से। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब इसकी डिस्क्रिप्शन की थी, तो वी हैड स्टडीड की आउटर सैपल्स, देयर आर फोर सैपल्स एंड टू आर आउटर एंड टू आर इनर। तो जैसे कि फियर ड्राइंग द फ्लोरल फार्मूला, तो वी हैव टू ड्रॉ सैपल लाइक दिस। सेंट्रल में हमने पॉइंटेड कंडीशन बनानी है, ठीक है। तो जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हमने उसको देखना है। एंड दिस आर रिप्रेजेंटिंग द सैपल्स एंड ए सॉर्ट ऑफ इम्ब्रीगेट कंडीशन वी कैन से दे आर रिप्रेजेंटिंग। कौन सी कंडीशन दे रहे हैं? इम्ब्रीगेट कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और टू आउटर हैं एंड टू इनर हैं। पॉली सैपलस कंडीशन इज देयर। पॉली सैपलस मीन्स दे आर फ्री, इनकी फ्यूजन नहीं दिखाई गई। तो दीज आर सैपल्स ऑफ द ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस, यानी कि मस्टर्ड फ्लावर जो बुक में डायग्राम दिया गया है ना, इट इज़ जस्ट लाइक दिस। और इसके अलावा जब हम पेटल्स की बात करते हैं ना, तो पेटल्स आर ऑल्सो फोर इन नंबर एंड दे आर क्रूसी फॉर्म एंड दे आर हैविंग वॉल्वेट अरेंजमेंट। अब हम इसमें देखते हैं किस तरह से पेटल्स अरेंज हैं। फर्स्ट वी कंप्लीट दीज सेपल्स। सेपल्स कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि पेटल्स कैसे हैं। तो ये तो एक इम्ब्रीगेट कंडीशन है जिसमें टू, ये देखो वॉल्स आउटर साइड पे नजर आ रही है ना, टू सेपल्स आर आउट, ये दो बाहर की तरफ हैं, ये और ये, और टू आर कंप्लीटली इनर्स, इनके मार्जिन बिल्कुल अंदर की तरफ हैं। तो अब हम देखते हैं इसके अलावा जब पेटल्स की बात करें, तो इफ वी टॉक अबाउट द पेटल्स आर ऑल्सो फोर इन नंबर, फोर हैं एंड दे आर ऑल्सो इन द अरेंजमेंट ऑफ ए क्रॉस, क्रॉस शेप में नजर आती है ना, लेकिन जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो अगेन वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द वॉल्वेट कंडीशन। वॉल्वेट कंडीशन क्या है? जिसमें मार्जिन दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर एंड दे आर नॉट ओवरलैपिंग। जैसे सैपल्स में तो ओवरलैपिंग है ना, तो इसमें वो कंडीशन देखने को नहीं मिल रही, ठीक है ना। दे आर जस्ट टचिंग द मार्जिन्स, मार्जिन जो इसके है ना वो टच कर रहे हैं। आई एम ड्रॉइंग विद द रेड बिकॉज आई हैव नो येलो कलर, आई एम हैविंग येलो कलर मार्कर नहीं है, तो दैट इज़ वाई इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग द पेटल वी कैन रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एनी कलर्ड मार्कर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द वॉल्वेट कंडीशन। वॉल्वेट कंडीशन में क्या है कि दे आर जस्ट टचिंग द मार्जिन, मार्जिन को टच कर रहे हैं बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग द पेटल्स। तो ये पेटल की कंडीशन है। एंड अब उसके बाद पेटल्स इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग अगेन दे आर क्रॉस शेप, थोड़े से इनको हम एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि इतना मार्जिन इनमें, इतना डिस्टेंस नहीं होता, बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं हो रही इनमें, ठीक है ना। दे आर जस्ट टचिंग, एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैपिंग नहीं है इनमें, ठीक है। तो दी आर रिप्रेजेंटिंग दी, दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग दीज पेटल्स विद द हेल्प ऑफ कलर्ड मार्कर्स, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी कि ग्रुप ऑफ स्टैमंस। ग्रुप ऑफ स्टैमंस में हमने देखा था कि हाउ मेनी स्टैमंस आर देयर, तो वी हैड सीन देयर आर सिक्स स्टैमंस, टू आउटर वर स्मॉल और बाइथिकस कंडीशन थी एंड दे वर ओपोजिट टू द सेपल। ये सेपल है ना, इसके ऑपोजिट हमने एक बहुत बड़ा एंथर बना देना है जो कि डाइथिकस कंडीशन में है। डाइथिकस कंडीशन इज रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस। इस तरह से इधर से भी हमने एक एंटी पेटलस कंडीशन बनाई। एंटी पेटलस मीन्स डाइथिकस एंथर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और यानी कि टू आउटर स्टैमंस, स्टैमंस के ऊपर ही एंथर्स होते हैं एंड दे आर डाइथिकस, डाइथिकस है और इसलिए ये ऑपोजिट टू दी सेपल्स हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड दी एंटी पेटलस। और फिर जब हम टू इनर, फोर इनर बनाएंगे ना, तो वी विल सी दैट द फोर इनर वॉल्स दे आर रिप्रेजेंटिंग, कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एंटी पेटलस कंडीशन में है, अंदर की तरफ नजर आएंगे। थोड़ा सा अंदर बना देते हैं, बाहर वाले दो छोटे हैं, अंदर वाले थोड़े बड़े हैं। एंड दे आर किस कंडीशन में है? अगेन इन एंटी पेटलस कंडीशन में, ठीक है। एंटी पेटलस मीन्स ऑपोजिट टू द पेटल्स। तो इस तरह से इनके ऑपोजिट हम बना सकते हैं, दे आर जस्ट ऑपोजिट टू द पेटल्स एंड दे आर ऑल्सो फ्री। क्या है वो? फ्री नेचर है उनकी, दे आर नॉट फ्यूज्ड, फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये तो इनके एंथर बना दिए।
फोर आर इनर एंड टू आर क्या कहते हैं लार्ज ऑन द आउटर साइड, नहीं टू स्मॉल ऑन द आउटर साइड फोर लार्ज ऑन द इनर साइड, जिसको हम क्या कह देते हैं एंड टेट्रा डायडेनमस कंडीशन, बाहर वाले दो स्मॉल हैं, बाय मिस्टेकन आई टोल्ड यू कि बाहर वाले बड़े हैं और अंदर वाले छोटे हैं, अंदर वाले जो फोर हैं दे आर एंटीपैटलस, एंटीपैटलस कंडीशन में है एंड दे आर व्हाट दे आर स्टिल लार्जर एज कंपेयर टू द आउटसाइड। अब हम इसके बाद देखते हैं इसकी अंदर की ओवरी की पोजीशन कैसी है, तो ओवरी की पोजीशन अगर हम देखेंगे ना, इफ़ यू टॉक अबाउट द ओवरी, बाईकार्परी कंडीशन थी और बाईकार्परी में हमने देखा था पेराइटल प्लेसेंटेशन वाज देयर, यानी कि इस तरह से हमें ओव्यूल नज़र आया था एक चैम्बर में और दूसरे चैम्बर में भी वी ऑल्सो गॉट द सेम काइंड ऑफ ओव्यूल, एक तरह से फॉल्स सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आई थी और बीच में दो ओव्यूल्स देवर रिप्रेजेंटिंग लाइक दिक्स, इस तरह से ओव्यूल्स बीच में सेंटर में लगे हुए नज़र आए, तो एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग दी पेराइटल वॉल ऑफ द ओवरी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो ये वॉल हम इसको ब्लैक लाइन से डिनोट कर देते हैं, दिस इज द वॉल ऑफ द ओवरी, ठीक है, एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट वी कैन से ऑफ द फ्लोरल फार्मूला ऑफ द ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस, जो कि हमारी बुक में डायग्राम में मेंशन किया गया है, ठीक है, तो ये तो हो गया फार्मूला किसका, और साथ में हमने एक मदर एक्सिस जरूर बनाना होता है, मदर एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट, ये एक्सिस वो रिप्रेजेंट करता है जो जहाँ पे फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जिस साइड पर प्रोड्यूस होते हैं ना, एवरी टाइम दिस मदर एक्सिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डॉट, हर फ्लावर में हमने बनाना होता है ये मदर एक्सिस, तो अगेन आई एम टेलिंग यू दीज आर फोर सेपल्स जो हमने बाहर की तरफ बनाई हैं, ये फोर क्या हैं सेपल्स हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग किस तरह से अरेंज है, टू इनर एंड टू आउटर, टू इनर एंड टू आउटर, ठीक है, एंड फोर ही पेटल्स हैं, क्रूसीफॉर अरेंजमेंट है, फोर पेटल्स और क्रॉस शेप में है, ठीक है, और उनकी मार्जिन क्या है, वॉल वेट है कंडीशन में, और इसके बाद हम ये देखेंगे तो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस दे आर रिप्रेजेंटिंग द एंड्रोशियम और स्टेमन, स्टेमन में टेट्रा डायडेमेनस कंडीशन इज देयर, टू आउटर क्या है स्मॉल एंड फोर इनर लार्ज, फोर इनर लार्ज यानी कि इनकी जो स्टेमन फिलामेंट है ना वो लार्ज है, ठीक है, एंथर का साइज तो सेम ही होता है ऑलमोस्ट, फिलामेंट के बेसिस पे लार्ज एंड स्मॉल कहते हैं, इंट्रोस कंडीशन है यानी कि इनको अंदर पेटल्स के अंदर ही हैं, गाइनेंशियम की तरफ मुड़े हुए हैं, एंड दिस इज द कंडीशन दैट इज रिप्रेजेंटिंग द बाईकार्परी एंड हैविंग टू ओव्यूल्स, वन ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, स्टार्टिंग में यूनिलोकुलर कंडीशन थी लेकिन ये हल्का सा ये पार्टीशन नजर आ गया ना, जिसके कारण टू ओव्यूल्स दे वर सेपरेटेड एंड दे आर ज्वाइन विद द वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी के साथ जुड़े हुए हैं, ओवरी वॉल के साथ, तो इसको हमने पेराइटल कंडीशन, व्हाट वी हैव टोल्ड अबाउट दिस पेराइटल कंडीशन का नाम दिया, ओवरी इज सुपीरियर, ठीक है, ओवरी क्या है इसकी सुपीरियर, ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग द फ्लोरल डायग्राम, नाउ वी सी व्हाट इज ए फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, सो वी डिस्क्राइब फ्लोरल फॉर्मूला, जब इसको हम देखेंगे इसके बेसिस पे ही हमें फ्लोरल फार्मूला पता चल जाएगा, सबसे पहले हमने देखना है कि वेदर इट इज़ ए ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट कंडीशन, द फ्लावर वाज ई ब्रैक्टिएट, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इट वाज एक्टिनोमॉर्फिक, तो इसको हमने इस साइन से डिनोट किया, बाइसेक्सुअल कंडीशन को हमने ऐसे देखा, दिस वाज रिप्रेजेंटिंग बाय दिस साइन एंड ऑल दीज आर सिंबल दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग, सब हम सिंबल्स की हेल्प से ही स्टडी कर रहे हैं ना, और फिर इसमें हमने और व्हाट वी हैव टू स्टडी, कैलक्स कितने हैं इसमें, टू प्लस टू कैलक्स, दे आर प्रेजिंग टू आउटर टू इनर, कॉरोला अगेन टू प्लस टू, अगेन वॉलवेट कंडीशन में थे कॉरोला एंड एंड्रोशियम वी रिप्रेजेंटिंग विद टू प्लस फोर, फ्री थे इसलिए हमने ब्रैकेट में डाला, गाइनेशियम सुपीरियर ओवरी थी और टू थी
इसमें बाइकार्पलरी और फ्यूज थिन कार्पस कंडीशन में थे. तो दिस इज रिगार्डिंग दी फॉर्मूला, फ्लोरल फार्मूला, जैसे ई ब्रैक्टिएट. और इसके बाद हमने देखा था एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, फिर फीमेल मेल दोनों में ही, दोनों ही प्रेजेंट है इसमें. कैलेक्स 2+2, कॉरोला 2+2, और फिर एंड्रोशियम 2+4, दो बाहर के 4 अंदर के. और गाइनेशियम ओवरी सुपीरियर है, ये तो हमें देख के पता चलेगा जब भी फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है. और उसमें ओवरी सुपीरियर, बाइकार्पलरी यानी कि 2 कार्पल्स और 2 ओव्यूल्स हैं, और फ्यूज फॉर्म में है, सिन कार्पस कंडीशन ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दिस इज रिगार्डिंग दी फ्लोरल फार्मूला. तो दिस थिंग हैज बीन गिवन इन अवर बुक, बुक में ये मेंशन किया हुआ है. और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी जो वेजिटेबल्स है ना, दैट मोस्ट कॉमनली वी ईट, दैट इज वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बिकॉज वी आर ऑल फेमिलियर विद ऑल दिस थिंग्स. जैसे कि रेडिश है, तो रेडिश को हम खाते हैं. तो रेडिश इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रेसिका ओलोरेशिया, ब्रेसिका सेटाइवस, रेडिश सॉरी ब्रेसिका सेटाइवस साइंटिफिक नेम है. ब्रेसिका तो इसका कॉमन जीनस नेम है ही है, दैट इज वाई दे आर ऑल बिलोंग टू क्रूसीफेरी और ब्रेसिसेसी फैमिली. तो रेडिश मूली खाते ही हम, ब्रेसिका स्टाइवस, ठीक है. फिर टर्निम ब्रेसिका रापा, शलगम जो खाते हैं, all they are belonging to this same family. Cauliflower, Brassica, Oloracea, genus क्या है? Brassica, species है Oloracea. इनकी variety अलग होती है. Variety is, we can say, varieties they are having, Kohlrappa तो उसमें होती है, cabbage में, and they are having the Oloracea when worm botrytis, sorry, फूल गोभी जो हम बोलते हैं, botrytis, botrytis. दिस इज फूल गोभी दैट वी ईट, ठीक है ना. इसकी इनफ्लोरोसेंस खाते हैं हम, जो वाइट पार्ट होता है ना, दैट इज द इनफ्लोरोसेंस दैट वी ईट. कैबेज होती है ब्रेसिका ओलोरेशिया, एंड वराइटी इज कैपिटेटा. पत्ता खाते हैं इसके, कैपिटेटा. तो वराइटी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट दैम, अदरवाइज ऑल दे आर हैविंग सेम जीनस एंड स्पीशीज. मस्टर्ड को अगर हम ये देखें तो ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, कम्पेस्ट्रिस इसकी स्पीशीज अलग से है, ठीक है ना. मस्टर्ड जो सरसों खाते हैं, ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, जो कॉमन मस्टर्ड प्लांट है ना, उसके फ्लावर्स लीव्स एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. खोल, खोल क्या होती है? गांठ गोभी, ब्रेसिका ओलोरेशिया. और इसमें हम देखते हैं बोटराइटिस हो गया, कैपिटेटा हो गया, ओलोरेशिया, ब्रेसिका ओलोरेशिया. और इसकी जो वैरायटी है दैट इज डिफरेंट, उस वैरायटी का क्या नाम है? दैट इज कॉलरप्पा. ब्रेसिका ओलोरेशिया एंड वैरायटी इज कॉलरप्पा. गांठ गोभी जिसकी हम स्टेम खाते हैं, ठीक है, ये भी मार्केट में मिलती है, गांठ गोभी मिलती जुलती है सारी की सारी. और बट इट डिपेंड्स ऑन द विच पार्ट इज एडिबल. किसी में फूल गोभी में वी ईट द इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस इज ईडिबल. और पत्ता गोभी में लीव्स आर ईडिबल, एंड इन दिस वैरायटी वी सी स्टेम इज, द स्टेम पार्ट इज ईडिबल. तो स्टेम इज ईडिबल, ठीक है. और फिर इसके अलावा देखते हैं राई, राई में वी सी ब्रेसिका अगेन. राई जो हम सरसों के वो खाते हैं ना, ब्लैक राई, ब्रेसिका नाइग्रा, नाइग्रा इज रिलेटेड टू ब्लैक राई, ब्लैक राई. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमनली ऑल दीज थिंग्स. तो व्हाट वी हैव टू कीप, ओनली साइंटिफिक नेम वी नीड टू मेंशन, थोड़ा सा अगर हम माइंड में रख लें तो इट विल बी बेटर, अदरवाइज ऑल दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन फॉर अस. फिर आते हैं उसके मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल कौन से हैं. सबसे पहले आता है वॉल फ्लावर, चेरियंथस चेरी. किसके लिए? कफ के लिए, पैरालिसिस और ब्रोंकाइटिस के लिए जरूरी होता है. चेरी एंथस चेरी, एक वन शुड हैव ए लुक एट ऑल दिस थिंग्स. तो ये अस्थमा मेडिसिनल यूज है इसका, अस्थमा में, फीवर में, कफ में, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ब्रोंकाइटिस में इट इज यूज्ड. इससे मेडिसिन बनाई जाती है, दैट इज व्हाई इट इज मेडिसिनल प्लांट्स. चांदनीज है, चांदनी का साइंटिफिक नेम है कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट और आइबरीज एमारा. हम कह सकते हैं इसको कैंडी टफ्ट तो कॉमन नेम ही है, आइबरीज एमारा इज साइंटिफिक नेम. बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है ये, ऑर्नामेंटल भी यूज होता है
और इट इज़ यूज एज ए मेडिसिनल। अगेन इट इज़ यूज इन फीवर, कफ एंड पैरालिसिस में ये यूज़ होता है। अगेन यूज इन, इट इज़ यूज इन रूमेटिज्म डिजीज, बहुत ही रूमेटाइड एक जॉइंट की प्रॉब्लम होती है बोन से रिलेटेड, तो रूमेटिज्म में दिस प्लांटिंग बीइंग यूज, इसकी मेडिसिन इस्तेमाल होती है। कौन सी? रूमेटिक डिजीजेस में, चेरियंथस चेरी में, अस्थमा में और फीवर में और ब्रोंकाइटिस में। तो ये वॉल फ्लावर इट इज़ बीइंग यूज्ड, ये दोनों ऑर्नामेंटल है। शेफर्ड पर्स भी क्या है? ऑर्नामेंटल है। इट इज़ ए कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, ये मैंने पहले भी बताया था, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस इज ए साइंटिफिक नेम और ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग द ब्रेसिका। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फैमिली। इसी तरह से ही हम बाकी सोलनेसी को भी डिस्क्राइब करेंगे और लिलियसी और वन मोर थिंग, लिलियसी सोलनेसी एंड वन वाज फेबेसी फैमिली। फैमिली सोलनेसी में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन। क्लास कौन सी है इनकी? अगेन डाइकोटलीडन है, ये भी डाइकोटलीडन एंड इसकी सब क्लास है गैमोपेटलिस। गैमोपेटली यानी कि इसके पेटल्स, सबके सब जितने भी है ना फ्लावर्स में पेटल्स फ्यूज मिलेंगे हम, दैट इज वाई इट हैज कम अंडर गैमोपेटली। सीरीज है इसकी बाईकार्पीलेटी। ठीक है, और ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर इज पॉलीमोनियल्स एंड फैमिली अगेन वी इज स्टडिंग अबाउट सोलोनेसी। लार्जेस्ट फैमिली है ये और पोटैटो वाली फैमिली से फेमस है, यानी कि जो अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटोज हैं दे बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी। सोलेनम ट्यूबरोसम इज अ नेम ऑफ ए साइंटिफिक नेम ऑफ ए पोटैटो विच इज बिलोंगिंग टू द सोलोनेसी, तो इसीलिए इसको हम सोलेनम वाली फैमिली से माने जाते से रिकोगनाइज कर सकते हैं पोटैटो फैमिली से। तो इसके हम अगर वेजिटेटिव करेक्टर से देखते हैं तो वी स्टार्ट विद वेजिटेटिव करेक्टर। तो मोस्ट कॉमनली इट इज क्या होती है, एक तो ये लार्जेस्ट है फैमिली, बहुत सारी स्पीशीज है इसकी, ठीक है ना, पोटैटो टोमेटो दे बिलोंग टू दिस फैमिली एंड दे आर कंटेनिंग वेरियस ओव्यूल विद विच आर एम्बेडेड इन द प्लेसेंटा। वो तो हम देखेंगे बाद में इसकी जब डिस्क्रिप्शन डिटेल में करेंगे, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। और इसमें अगेन इफ यू टॉक अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट रीजन में, हर जगह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, हर एवरी एरिया इज कवरिंग विद फ्लावर्स ऑफ फैमिली और प्लांट्स ऑफ फैमिलीज सोलेनेसी। आई मीन टू से दे आर कवरिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो लार्जेस्ट फैमिली है ये, और इसमें अगर हम वेजिटेटिव करेक्टर से स्टार्ट करते हैं ना तो हर्बेशियस होते हैं। ठीक है, हर्बेशियस और वी कैन नॉट से कि वुडी, वुडी इज नेवर, वुडी इज एब्सेंट, और हर्बेशियस स्टेम है, स्टेम इज सॉलिड सॉलिड और इट में भी होलो और होलो और खोखली होती है या इट और इट इज ब्रांच्ड आल्सो हैविंग हेयरी हेयर भी प्रेजेंट होते हैं और इट में भी ग्लैबरस विदाउट हेयर ओपेक कंडीशन में ये नजर आती है। ग्लैबरस कंडीशन इज रिलेटेड टू दी ओपेकनेस ऑफ दी स्टेम। तो ये तो हो गया इसका स्टेम के बारे में। समटाइम्स अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कि हमने देखा पोटैटो के केस में अंडरग्राउंड होती है ना स्टेम, तो अंडरग्राउंड स्टेम इज इन केस ऑफ पोटैटो। तो दिस इज रिगार्डिंग दी स्ट्रक्चर वेजिटेटिव पार्ट। और रूट की बात करें ना तो इट इज हैविंग टैप रूट, मोस्ट कॉमनली टैप रूट सिस्टम इज देयर, ज़्यादातर डाइकोटिलेडंस में होता ही टैप रूट सिस्टम है, तो टैप रूट इज देयर। ठीक है, और लीव्स की बात करें तो लीव्स आर सिंपल एक्सट्यूपिलेट, लीव्स आर सिंपल होती हैं और सॉलिटरी समटाइम्स, कंपाउंड होती हैं तो पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है मॉर्फोलॉजी में कि व्हाट आर दीज डिस्क्रिप्शंस कॉल्ड, कि ये सब डिस्क्रिप्शंस की मीनिंग क्या है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। लेकिन ये जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती है ना दे आर वेरी मच रेयर, रेयर होती हैं। ठीक है,
पिनेटली कंपाउंडलेस, दे आर वेरी रेयर इन नेचर, और इनमें वेनेशन कैसी होती है, रेटिकुलेट, और डाइकोटिलेडंस है तो रेटिकुलेट वेनेशन विल बी देयर, और पिनेटली कंपाउंड लीव्स आर रेयर. पिनेटली कंपाउंड लीव्स दे आर नॉट सीन मोस्ट कॉमनली, सॉलिटरी कंडीशन मिलती है और सिंपल होते हैं इसके लीव्स, ठीक है. रेटिकुलेट नेटवर्क लाइक वेनेशन इज देयर. बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल होते हैं. बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल क्या होते हैं, दैट वी आर स्टडिंग इन एनाटॉमी, ठीक है. बाइकोलेटरल में जैसे फिलोइम के दोनों तरफ साइलम एलिमेंट्स होते हैं, तो इसकी डिटेल तो हम बाद में देखेंगे. तो दिस इज रिगार्डिंग दी वेजिटेटिव करेक्टर्स. नाउ वी कम टू दी इनफ्लोरोसेंस और फ्लोरल करेक्टर्स. फ्लोरल करेक्टर्स में इनफ्लोरोसेंस इज सॉलिटरी एक्सिलरी और सॉलिटरी टर्मिनल. ये भी हमने देखी हुई है कंडीशन. साइमोज कंडीशन इज देयर, यानी कि डेफिनेट साइमोज होती है. और सॉलिटरी एक्सिलरी, सॉलिटरी यानी कि सिंगल फ्लावर इज ऑल्सो प्रेजेंट, और इट मे बी टर्मिनल और इट मे बी एक्सिलरी इन पोजिशन. एक्सिलरी ही होता है मोस्ट कॉमनली. एक्सिलरी मतलब एक्सिल से निकलता है, नॉट टर्मिनल पोजिशन से ये निकलता है, ठीक है. और साइमोज इनफ्लोरोसेंस किस में देखने को मिलती है, सोलेनम यानी कि पोटैटो में देखने को मिलती है. तो दिस इज रिगार्डिंग दी इनफ्लोरोसेंस. इनफ्लोरोसेंस के बारे में वट वी हैव टू कीप इन माइंड कि साइमोज इनफ्लोरोसेंस इज द टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस दैट वी हैव स्टडीड. फ्लावर इज अगेन, इफ यू टॉक अबाउट द फ्लावर, इज बाइसेक्सुअल. बोथ सेक्सेज आर सेम. कंप्लीट फ्लावर है, परफेक्ट है, बाइसेक्सुअल. इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, कंप्लीट कंडीशन. और यानी कि मेल एंड फीमेल ऑल दी वॉल्स आर प्रेजेंट, सब वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल कंप्लीट. और सच्चे फ्लावर इज ऑल्सो परफेक्ट फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों होते हैं, ठीक है. इम्परफेक्ट कौन सा होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, चाहे मेल एब्सेंट होगा चाहे फीमेल एब्सेंट होगा. तो बाइसेक्सुअल कंप्लीट परफेक्ट. और इट इज़ अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स सिमेट्री, सिमेट्री की बात करें तो ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन इज देयर. पिटूनिया में हमने देखने को मिलती है इसके जो भी फ्लावर्स हैं ना, तो रेडियली सिमेट्रिकल और हम कह सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक. किसी भी प्लेन से काटें तो इक्वल हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स में ये कट सकते हैं, ठीक है. तो टू इक्वल हाफ्स आर प्रोड्यूस्ड. बाइसेक्सुअल कंप्लीट परफेक्ट एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन इज देयर. वेरियस कलर्ड एंड शेप्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर, वेरियस कलर्स आर देयर, ठीक है. ऑर्नामेंटल फ्लावर्स भी होते हैं इसमें, जैसे कि पिटूनिया के फ्लावर्स बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं, पिंक में, वॉयलेट कलर में भी मिलते हैं, रेड कलर में भी मिलते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी मेन सेपल्स से. सेपल्स में वी स्टार्ट विद दी सेपल्स में कैलेक्स से बात करते हैं. ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड दी कैलेक्स. फाइव होते हैं क्योंकि फ्लावर इज पेंटामेरस. क्या होता है, पेंटामेरस होता है. फाइव थिंग्स आर देयर, फाइव सेपल्स, फाइव पेटल्स. तो कैलेक्स में भी फाइव कंडीशन. गैमो पेटल, गैमो सेपलस, ये जुड़ी हुई है ना, ये देख लो, दे आर ज्वाइंट विद ईच अदर. और वॉल्वेट कंडीशन इज देयर, गैमो सेपलस. वॉल्वेट मीन्स जब इनके मार्जिन टच कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग इनकी एस्टिवेशन देखेंगे ना, मार्जिन दे आर जस्ट टचिंग विद ईच अदर, दे आर नॉट ओवरलैपिंग. तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं वॉल्वेट कंडीशन इज देयर, ठीक है. एंड दे आर ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर के होते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट दी कोरोला, अगेन पेटल्स, कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल्स. मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किए हैं फ्लोरल डायग्राम में, बिकॉज पिंक कलर, रेड कलर वॉज नॉट देयर विद मी. सो दीज ब्लैक कलर आर रिप्रेजेंटिंग दी पेटल. अगेन दे आर गैमोपेटलस, गैमोपेटलस कंडीशन है. और इस गैमोपेटलस कंडीशन में अगेन वी आर सी लुकिंग एट वॉल्वेट, ठीक है. वॉल्वेट कंडीशन है इनके. और वेरियस कलर्स आर देयर, ठीक है. अगेन एंड्रोशियम ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स अगर हम देखें, दे आर फाइव इन नंबर. और एपीपेटलस, पेटल्स के साथ ज्वाइन है, ठीक है. ये दो स्टेमन्स है ना, ये आर ज्वाइन विद द पेटल्स. इनके फिलामेंट पेटल्स के साथ ज्वाइन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंड्रोशियम आर फाइव एंड दे आर एपीपेटलस इन कंडीशन. एंड इसके जो एंथर्स होंगे, बाइथिकस एंथर है, ठीक है. एपीपेटलस, बाइथिकस और इंट्रोस कंडीशन इज अगेन देयर, यानी कि स्मॉल होते हैं टुवर्ड्स दी, इनके फिलामेंट ज़्यादा बड़े नहीं होते. तो दिस इज दी रिगार्डिंग दी एंड्रोशियम फाइव. और
स्टेमन्स 5 हैं, एपिपेटलस स्टेमन्स हैं और पोलीएंड्रस फ्री होते हैं, इंट्रोस मैंने आपको बता ही दिया, इंट्रोस यानी कि अंदर की तरफ होते हैं, पोलीएंड्रस कंडीशन मीन्स दे आर फ्री, दे आर नॉट ज्वाइंट बट दे आर ज्वाइंट विद पेटल्स, बट आपस में ये फ्री हैं, दे आर नॉट फ्यूज, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड दी पोलीएंड्रस कंडीशन, कि जितने भी ये एंथर्स हैं इनके फिलामेंट और एंथर सब फ्री होते हैं, ज्वाइंट कंडीशन में नहीं है। ये सब कंडीशंस हम ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। गाइनेंशियम हम देखते हैं, बाइकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन इज देयर, बाइकार्पलरी सिनकार्पस, दो कार्पल्स हैं, सिनकार्पस कंडीशन इज देयर, ठीक है ना। एक्साइल प्लेजेंटेशन होती है, समटाइम्स बहुत सारे ओव्यूल्स और सीड्स होते हैं, जैसे कि टोमेटोज में हम देखते हैं, देखने को मिलते हैं टोमेटोज में, ब्रिंजल में, ठीक है। बाइकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन इज देयर, ठीक है। ऑल ओव्यूल इज एक्साइल प्लेजेंटेशन, यानी कि बीच में प्लेजेंटेशन होता है, एक्साइल प्लेजेंटेशन इज देयर, ये तो मोस्ट कॉमन है। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं ना, तो वो एक्साइल प्लेजेंटेशन के बजाय बीच में सेंटर पल्प में आ जाते हैं प्लेजेंटा के, जैसे कि टमेटोज में हमें देखने को मिलता है, ये सारा सब कंडीशंस वी कैन सी इन टमेटो एज वेल एज इन ब्रिंजल, ठीक है। ब्रिंजल में भी देखने को मिलते हैं, ब्रिंजल में वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, कैलेक्स जो होते हैं ना परसिस्टेंट होते हैं, परसिस्टेंस जैसे कि थिक हो जाते हैं ब्रिंजल के ऊपर, बैंगन के ऊपर हरे हरे लगे होते हैं ना, परसिस्टेंट एंड दे बिकम थिक ऑन मैच्योरिटी, थिक हो जाते हैं ना ऑन मैच्योरिटी, तो इसको एक स्पेशल कंडीशन होती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड दी, दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज दैट कंडीशन कॉल्ड, उस कंडीशन को हम कह देते हैं कि ब्रिंजल के अंदर थिक हो जाते हैं, इलोंगेटेड एक्रीसेंट सेपल्स बोलते हैं, सच सेपल्स आर कॉल्ड दी एक्रीसेंट इन केस ऑफ ब्रिंजल, एक्रीसेंट सेपल्स। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, अनकॉमन सी होती हैं, लेकिन इफ़ वी लर्न देम इट इज़ नॉट एनी हार्म, पर ये हमें याद करना है कि परसिस्टेंट मीन्स रहते हैं मैच्योरिटी तक, जब तक वो फ्रूट बनता है ना, फ्रूट के साथ ही वो ग्रीन कलर के कैलेक्स यानी कि वो सेपल्स जो होती हैं परसिस्टेंट गिरती नहीं है फ्रूट फॉर्मेशन के दौरान, तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं परसिस्टेंट कंडीशन ऑफ दी सेपल्स, ठीक है। और दिस इज रिगार्डिंग दी फ्लावर, जिसमें हमने गाइनेंशिया भी स्टडी कर लिया, सिनकार्पस कंडीशन, एक्साइल प्लेजेंटेशन इज देयर, अगेन फ्रूट की बात करें तो बेरी होता है और धतूरा में कैप्सूल होता है, बेरी कंडीशन इज देयर, फ्रूट की बात करें ना, बेरी क्या होता है ये हमने फ्रूट्स में पढ़ लिया है, ठीक है ना। फ्रूट इज बेरी इन केस ऑफ टमेटो, टमेटो एंड ब्रिंजल, टमेटो एंड ब्रिंजल में तो क्या होता है बेरी कंडीशन इज देयर, और कैप्सूल कंडीशन किस में होती है, कैप्सुला में, कैप्सूल कंडीशन सॉरी इन धतूरा में, धतूरा के अंदर होती है, धतूरा का जो फ्लावर होता है ना दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर दी, कम्स अंडर दी सोलोनेसी, सोलोनेसी में आता है, ठीक है। तो ये तो हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, अब हम इसके फ्लोरल फार्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी होल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर, जैसे कि सेपल्स मैंने आपको बता दिए 5 हैं, वॉल्वेट कंडीशन में है, एंड्रोश सेपल्स आर रिप्रेजेंटिंग दी कैलेक्स 5, पेंटामेरस कंडीशन इज देयर, अगेन इफ दी रिप्रेजेंट दी ब्लैक कलर इट दीज आर पेटल्स, अगेन दे आर 5 एंड दे आर अगेन गैमोपेटलस फ्यूज कंडीशन में ही है, एंड्रोशियम आर 5, अगेन दे आर पोलीएंड्रस बट दे आर एपिपेटलस, पेटल्स के साथ फ्यूज है, पेटल्स से फ्यूज दिखाए हुए हैं, बाइकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन 2 कार्पल्स दिखाए हुए हैं, 2 चैम्बर्स दिखाए हुए हैं, ओव्यूल सेंट्रल में एक्सिस के साथ है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। ये तो सब डिस्क्रिप्शन हम इसको देख के ही स्टडी कर सकते हैं ना, तो अब इसमें फ्लोरल फार्मूला हम देखते हैं वो कैसे बनाना है। फर्स्ट अगेन वी स्टार्ट विद द इफ देयर इज ब्रेक प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, होती भी है और कई फ्लावर्स में नहीं भी होती, तो ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट कंडीशन इज देयर, अगेन एक्टोनियम एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन इज देयर, कंप्लीट फ्लावर इज देयर, यानी कि मेल एंड फीमेल अगर हम बात करें तो दोनों एक में बाइसेक्सुअल कंडीशन इज देयर, और फिर कैलक्स की बात करें 5 फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है ना, कैलक्स को के से रिप्रेजेंट करना है हमने, कॉरोला को 5 फ्यूज्ड होते हैं, एंड्रोशियम को हम फिर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड्रोशियम ए से रिप्रेजेंट करना है हमने, बाय मिस्टेकन मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, ठीक है, एंड्रोशियम कैलेक्स और यही लिख देती है, एंड्रोशियम भी 5 होते हैं,
कैलेक्स एंड एंड्रोशियम आपस में फ्यूज होते हैं, और बट एंड्रोशियम दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, आपस में फ्री हैं। कैलेक्स और एंड्रोशियम इनमें कौन सी होगी फोर्स? एडहेंशन होगी। इनमें ज्वाइनिंग क्या कहलाती है? एडहेंशन कहलाती है। ठीक है, मदर एक्सिस भी मैंने बनाया है। अनगाइनेंशियम टू ओवरी सुपीरियर एंड फ्यूज कंडीशन में होते हैं। दिस इज रिगार्डिंग द फ्लोरल फार्मूला। क्लियर? तो दिस इज होल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फैमिली सोलोनेसी। सोलोनेसी की है, और आपने बिल्कुल एक भी वर्ड और एक भी टर्म और डिस्क्रिप्शन को इधर से उधर नहीं करना। इफ़ वी वॉन्ट टू डिस्क्राइब ए फ्लावर, फ्लोरल फार्मूला हो बिल्कुल एज सच ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि एनसीईआरटी में दिया गया है। जरा सा भी माइनर सी भी अगर मिस्टेक हो जाएगी ना, तो इसमें पूरा का पूरा मार्क्स क्या होते हैं, दे कैन कट कट सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको लर्न करना है। नाउ वी कम टू द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वो क्या होती है, दैट वी सी नाउ। तो एक लुक ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने ब्रीफ में आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड ऑन द बोर्ड सो दैट इट कैन बी कंप्लीटेड, क्योंकि ये जस्ट क्या है दैट वी हैव टू लर्न, लर्न ही करने हैं, इसमें इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, तो इसलिए वी शुड हैव ए क्विक लुक। पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरेसम, जिसकी स्टेम जो खाते हैं, ठीक है ना, ईडिबल जो पार्ट्स हैं, टोमेटो बेरी है, फ्रूट है, ठीक है ना, सोलेनम लाइकोपर्सिकम साइंटिफिक नेम है इसका, इट इज़ ऑल्सो ईडिबल, पर्सिकम फ्रूट है। सीड्स इसके नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ब्रिंजिबल सोलेनम नाइग्रम, ब्रिंजल इज सोलेनम मिलेनोजीना, सॉरी नाइग्रम तो मैं कई होता है, सोलेनम मिलेनोजीना, ये भी हम खाते हैं इसका फ्रूट बेरी। मकई मैकोई सोलेनम नाइग्रम इडिबल है। अगेन चिल्ली दैट वी सी, जो कि स्पाइस की तरह यूज करते हैं हम, इसका साइंटिफिक नेम जस्ट आई टेल यू व्हाट इज द साइंटिफिक, फ्रूटी सेंस है इसका साइंटिफिक नेम, कैप्सिकम एनम, सॉरी कैप्सिकम एनम इज द साइंटिफिक नेम, कैप्सिकम एनम साइंटिफिक नेम ऑफ चिल्ली, जो कि एक स्पाइस की तरह यूज करते हैं। जो ग्रीन शिमला मिर्च है उसका नाम है कैप्सिकम फ्रूटीसेंस, इसका नाम है फ्रूटीसेंस, मैंने गलती से उसमें बोल दिया था ना, कैप्सिकम फ्रूटीसेंस इस शिमला मिर्च जो इसकी वेजिटेबल खाते हैं। रेसबेरी फाइसेलिस परवियाना फ्रूट्स खाते हैं इसका। और फिर मेडिसिनल अगर हम प्लांट देखें ना, तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट, एट्रोपा बेलोडोना, इसमें जो इसकी जो लीव्स होती हैं एट्रोपा बेलोडोना की, वो हम क्या किस में यूज़ करते हैं, एज ए दे आर यूज एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट्स इसकी यूज होती हैं, बेलाडोना बनाते हैं इसकी रूट्स से ना, एक ड्रग ऑप्टेन होती है जिसको हम कह देते हैं बेलाडोना, ठीक है। और ये प्यूपिल को डायलेट करने में काम आती है, प्यूपिल मीन्स आइस की प्रॉब्लम, आई से रिलेटेड होता है ना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को ये दूर करती है, डायलेट द प्यूपिल ऑफ द आई, डायलेट डायलेट मीन ब्रॉड कर देना, दी प्यूपिल आँख की पुतली को चौड़ा कर देना, किसके कारण होता है, एट्रोपिन, इस किसकी रूट्स के द्वारा निकलती है, एट्रोपा बेलाडोना की रूट्स के द्वारा निकलती है, जो कि प्यूपिल आइस की प्यूपिल को डायलेट करती हैं, यानी कि ब्रॉड कर देती हैं। निकोटियाना टबैको, तंबाकू जो प्लांट होता है, वैसे तो हमें मालूम है इट इज़ नॉट गुड, कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, स्टिमुलस होता है एक तरह का इसमें, जो कई बार हम मेडिसिन में डालते हैं, फ्यूमिगेटरी भी होता है, फ्यूमिगेशन में भी ये यूज़ करते हैं, फ्यूम्स इसकी क्या होती है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ की जाती हैं। विथेनिया सोमनीफेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अश्वगंधा, आपने नाम सुना होगा अश्वगंधा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी लीव्स जो है ना फीवर में यूज़ करते हैं, और रूट्स को एज ए नर्व टॉनिक की तरह यूज़ किया जाता है। पिटूनिया फ्लावर है, वो ऑर्नामेंटल यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सारा का सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दैट वी ऑल्सो हैव टू डू, इट इज़ ऑल्सो मैंशन इन एनसीईआरटी, ये सब एनसीईआरटी वाली ही हैं जो मैंने मैंशन किए हुए हैं, वन और टू थिंग टू स्पीशीज आर एक्स्ट्रा, अदरवाइज ऑल आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। जैसे कि एट्रोपा बेलोडोना की मेडिसिनल वैल्यू हमें आइस से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निको शियना टबैकम इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ टबैको प्लांट, स्टिमुलस की तरह यूज करते हैं या फ्यूमिगेटरी की तरह, ठीक है, फ्यूमिगेशन में यूज करते हैं। और अश्वगंधा जिसका कि साइंटिफिक नेम है विथेनिया सोमिनीफेरम, उसकी रूट्स को एज ए नर्व टॉनिक यूज करते हैं या लीव्स को फीवर में यूज किया जाता है। तो दिस इज रिगार्डिंग फैमिली सोलोनेसी। नाउ नेक्स्ट फैमिली वी स्टार्ट विथ दैट इज फैमिली फेबेसी।